क्योंकि आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और वो है पावर ऑफ रीपर्चेस। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हैंडओवर करूंगा आज के सेशन को संजय जैन जी को। उनके साथ इस सेशन को लेंगे नरसी ग्रेवाल जी, माधव सिंह जी और विजयपाल सिंह। आपको पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि ग्लास अब 400 मिलीलीटर का हो गया है, लेकिन हमें अभी भी 200 मिलीलीटर पीने की आदत है। तो आज संजय जी बताएंगे कि 400 मिलीलीटर के ग्लास में 400 मिलीलीटर का चेक कैसे बनता है। तो आप लोगों को अपने अपने चेक्स को 4 लाख तक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पहुंचाना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, इसके ऊपर संजय जी बहुत बेहतर तरीके से आज हमें समझाने लगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, संजय जी को वेलकम करूंगा और उनको बोलूंगा कि प्लीज इस सेशन को आगे बढ़ाएं और हम लोगों को समझाएं कि पावर ऑफ रीपर्चेस क्या है। आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट संजय। संजय, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर अ हिस्टोरिक सेशन। आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक टुडे, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन को लेने के लिए, और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये मौका मुझे मिला है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज से 18 साल पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब मैंने लोगों को प्लान दिखाया था। आज जब कभी मिलते हैं सर, बताते हैं लोग कि सर आपके प्लान दिखाया था, आपके प्लान दिखाने से आपने जो मुझे बताया था उसकी वजह से आज मैं डायमंड हूँ, अलग अलग लेवल पर हूँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से मैं आपको ABCD सिखाने वाला हूँ। रेगुलर प्लान की तो नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं आज बात करूंगा रीपर्चेज में कैसे हम बढ़िया काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने नए मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं, इनके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है पावर ऑफ रीपर्चेज, पावर ऑफ रीपर्चेज ये एक बहुत बड़ा पावर है रीपर्चेज के थ्रू, जिसको शायद कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज के इस सेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा विजन मिलेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलने वाला है वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले बता देता हूँ, ताकि आपको उम्मीद रहे कि आज आप यहाँ से क्या लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन मैं एक दावा करना चाहता हूँ कि आज इस पूरे प्रेजेंटेशन में ये ऐतिहासिक प्रेजेंटेशन होने वाला है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में याद रखने वाले हैं कि आज कभी हम लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया था, सारे के सारे डायमंड बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया था, हमने कुछ कमिटमेंट बनाया था और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये एक ऐसा दिन होने वाला है जो ऐतिहासिक बनने वाला है। हम सब उसके गवाह बनने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये मौका देने के लिए हम सारे लीडर्स आपका, डायरेक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको जो आज मिलने वाला है वो नंबर फर्स्ट तो ये मिलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कि आज आपके मन, बुद्धि और दिल को विश्वास हो जाएगा कि आप निश्चित तौर पर 2 लाख रुपए की कैपिंग पर पहुंचने वाले हैं। वैसे तो 4 लाख की कैपिंग पर पहुंचेंगे। आपके पास में कैपिंग पर कैसे पहुंचना है फर्स्ट परचेज के माध्यम से, ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हमारा फोकस रहने वाला है वो सिर्फ रीपर्चेज पर, हम कैसे 2 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मन, बुद्धि और दिल से यदि कोई चीज हम समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे जीवन में आ ही जाता है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। नंबर सेकंड जो आपको मिलने वाला है कि आज आप तय करने वाले हैं कि कब आप इस 2 लाख के कैपिंग को हासिल करेंगे। बहुत सारे आपको क्लैरिटी आएगी आपको ये, लेकिन पक्का पता चल जाएगा, आज आप डिसाइड करने वाले हैं कि अब 2 लाख की कैपिंग कब मिलने वाली है। इस प्रेजेंटेशन के अंत तक आप लोग निश्चित तौर पर अपनी अपनी मुट्ठी बांधने वाले हैं और एक कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। 4 चीजें मैं बताने वाला हूँ, 4 में से तीसरी जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी हासिल करने के लिए आपको एक बहुत ही सफल एक स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर की जाएगी, एक कामयाब रूपरेखा। कामयाब रूपरेखा का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी उस प्लानिंग पर चल के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चेक्स बनाए हुए हैं, एक बहुत अच्छी रणनीति। जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस की रणनीति क्या है, इस पर डिसीजन होता है, इस पर हम तय कर पाते हैं कि वास्तव में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये 4 चीजें मेरे ख्याल से हो गई है जो मैं आपको बताना चाहता था, और इस पूरे प्रेजेंटेशन से 4 चीजें आपको मिलने वाली है। हो गई 4 चीजें? नहीं हुई अभी। चौथी चीज जो आप जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि जब भी हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, ऐसे करके बार बार लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और इस इश्यू को बार बार उठाते हैं। आज मैं आपके साथ में इस इश्यू को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ, और ये जो सवाल है
ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, सवाल तो रहने वाला है, लेकिन इस सवाल को कितने अच्छे तरीके से आप डील करेंगे उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चौथी चीज आपको ये मिलने वाली है। मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरे प्रेजेंटेशन में, मेरे और तीन साथी हैं जो इस पूरे प्रेजेंटेशन को लेने वाले हैं। उनमें है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जो हमारे इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हैं, बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं, और उनके साथ में बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम में हर लेवल के लोग हैं क्राउन एम्बेसडर सर के, और बहुत अच्छे तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। आज नरसिंह ग्रेवाल साहब को परिचय के मोहताज नहीं है, आज न केवल सेफ शॉप में लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका लोग फखरे के साथ में नाम लेते हैं देंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 4 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हैं। न केवल ग्रेवाल साहब, आज हमारे साथ में मिस्टर माधव सिंह जी हैं। माधव सिंह जी का नाम सेफ शॉप में मतलब बच्चा बच्चा जानता है, क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर हैं, और माधव सिंह जी ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। टीम मैनेजमेंट में इनकी मास्टरी है, टीम बिल्डिंग में इनकी मास्टरी है, इनके साथ में भी बहुत सारे डायमंड्स की टीम है, डायमंड और अबव लेवल के लोग इनकी टीम में मौजूद हैं। ये आपके बारे में बहुत शानदार सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तीसरे हमारे लीडर हैं मिस्टर विजयपाल सिंह जी, वो भी क्राउन एम्बेसडर हैं, और इनको एक बहुत अच्छी रणनीति बनाने के लिए हम पहचाने जाते हैं। इनको हम प्लानर बोलते हैं, जब भी कोई इनको टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को कैसे नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं मिस्टर विजयपाल जी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं। आज जो मैं आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ, रजत सर ने बताया जैसे कि अभी तक हमारे पास में 200 ml का ग्लास था, लेकिन अब 400 ml का ग्लास भी आपके पास में है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप 200 में संतुष्ट हैं या 400 आप लेना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हम में से सारे लोग 400 ml के जो ग्लास है उसको जरूर कंज्यूम करना चाहेंगे। यहाँ पर भी मैंने कुछ एक प्रेजेंटेशन के लिए सामने रखा हुआ है कि अभी तक जो हम ले रहे थे छोटी वाली जो बास्केट थी उसमें जो पैसे दिखाई दे रहे हैं वो हम अर्न करने के लिए मेहनत करते थे, हमें पता भी नहीं था कि हम अब जाकर के एक बड़ी इनकम भी ले सकते हैं। लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया और हमारे लिए सारी चीजों को ओपन किया, और अब हमारे पास में दूसरे तरह की अर्निंग भी जो है हमारे पास में मौजूद है। दूसरी अर्निंग क्या है हमारे पास में कि अभी तक हमारे पास में नेटवर्किंग ओनली विथ फर्स्ट परचेज, ये सिर्फ एक ऑप्शन था जिसके थ्रू हम अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे थे, हमारे पास में सिर्फ एक तरह की अर्निंग थी। लेकिन कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले नेटवर्किंग विथ रीपर्चेज विथ लॉयल कस्टमर्स ये एक ऑप्शन भी ओपन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकेंड ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन से बहुत ज्यादा और बहुत स्टेबिलिटी आपको इस बिजनेस में प्रदान करने वाला है। हम तो मास्टर हो गए 18 साल से फर्स्ट परचेज को कैसे मेंटेन करना है, फर्स्ट परचेज में हमने कैसे सेल्स निकालनी है, कैसे अपने बिजनेस को ऊपर लेकर के जाना है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जो रीपर्चेस का जो सिस्टम है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसमें हमें कैसे काम करना है, कैसे कामयाब होना है, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यदि आपने फोकस कर लिया तो ये एक ऐसी अर्निंग रहने वाली है जो वास्तव में आपके पूरे बिजनेस को स्टेबिलिटी एक स्थायित्व प्रदान करने वाली है। आपसे मैं पीछे फिर से दोबारा से जाता हूँ और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल इनकम थी तो हमने लोगों को इस बिजनेस में फर्स्ट परचेज सेल कर करके हमने अपने आप को यहाँ तक पहुंचा लिया है, हम डायमंड बन गए, हमारे घरों में खुशियां आ गई, हम इतनी 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 लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर ली जिनका हम शायद सपना देखा करते थे। ना केवल हमारी जिंदगी बदली, हजारों लोगों की जिंदगी बदली। कब? जब कोई इंसान इसमें सिर्फ एक बार जिंदगी में फर्स्ट परचेस लेकर के आता है और इस तरीके से हम रिकमेंडेशन करते हैं तो हम यहाँ तक पहुंच गए सिर्फ ये काम करके। लेकिन आप कल्पना करके देखो कि जो व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति यदि लगातार, यदि कोई हमारे साथ में 10 साल से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति हमारे साथ में 12 साल से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कंपनी की फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, यदि ये नेटवर्क में आपके सारे के सारे लीडर्स एज ए कंज्यूमर लगातार सालों साल तक यदि आपका परचेस करते रहते और हर महीने आपको 200 BV का 100 BV का यदि ये कंजम्पशन किया करते और उसका यदि कमीशन आता तो आप सोचो कितनी बड़ी स्टेबिलिटी रहती। लेकिन कोई बात नहीं है, और ये कंसेप्ट जिसके आधार पर ही ये हमारा पूरा डायरेक्ट सेलिंग काम करता है ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी आप देखिए, यदि हम यहाँ पर हैं, आज इस बिजनेस में कामयाब हैं, सारे के सारे डायमंड लेवल के सारे लीडर्स के साथ में मेरी बातचीत हो रही है, तो हम कामयाब हैं तो सिर्फ इसलिए कामयाब हैं कि आज से 18 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब भी हमको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, हमारे पास कुछ ना कुछ विजन था,
हमारे साथ कई लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया था, लेकिन हमने डिसीजन लिया और इस बिजनेस में हम कामयाब होकर के यहाँ पर अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज फिर थोड़ा सा विजन को एक्सपांड करने की जरूरत है। यदि हम विजन को एक्सपांड करने के लिए तैयार हैं और आगे फ्यूचर कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, तो दोस्तों बिलीव करो, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में बहुत अच्छी अर्निंग आप इसमें रीपर्चेज में ले सकते हैं। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो एक प्रेजेंटेशन में कहीं तो भी ये बताया गया था, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की एक स्टोरी शेयर की थी। ये एक बहुत बड़े राइटर है वर्क एजेस जिन्होंने इस बुक को लिखा था और इस किताब में काफी अच्छे ढंग से एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि दो दोस्त हुआ करते हैं जो जिन्होंने डिसीजन लिया, जो पानी भरा करते थे बकेट में लेकर के, रोज उनका काम था कि घरों घरों तक उनको पानी पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को ध्यान आया, एक दोस्त को ऐसा लगा कि यार क्यों ना हम इतनी मेहनत करते हैं, एक काम करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं। पाइपलाइन बिछाने का विचार जो है पहले दोस्त के मन में आया, दूसरे दोस्त के साथ में शेयर किया, लेकिन दूसरे दोस्त ने हंसी उड़ाई कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। और पहला जो दोस्त था उसने डिसीजन ले लिया कि कोई बात नहीं है, कठिन काम होगा, लेकिन मैं जो डेली काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ पैरेलल में मैं पाइपलाइन बिछाने का काम करूंगा। और वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और ये जो दूसरा दोस्त था वो उसकी खिल्ली उड़ाता रहता है कि ये काम तेरे से कभी नहीं हो पाएगा, और वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। लेकिन ये उसी समय में सारा कुछ करने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि सारे घरों में वो पाइपलाइन बिछा देता है और उस पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पर बगैर किसी एफर्ट्स के, लीवरेजिंग के साथ में वो अपनी अर्निंग को लीवरेज कर पाता है। और ये जो दूसरा दोस्त था वो कहीं ना कहीं बूढ़ा होने लगता है, शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता है जितनी वो कर सकता है। ये एक अकेली बात, ये एक अकेली कहानी मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग भी अटेंड कर रहे हैं, सारे लोगों ने इस कहानी को जरूर सुना होगा। इसी कहानी से इंस्पायर होकर के वास्तव में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और कहीं ना कहीं आपने भी बिजनेस को इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा और आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम इस विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं नेटवर्क में जाता था, स्टेज पर जाता था, स्टेज से मैं हमेशा लोगों से बोलता था कि मैं यहाँ कुछ और करने नहीं आया हूँ, कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ पाइपलाइन बिछाने आया हुआ हूँ। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो कल के दिन जब प्रोडक्ट इस पाइपलाइन के अंदर डाले जाएंगे तो हम सारे लोगों की अर्निंग, वो लोग जो इस पाइपलाइन को अपने अपने शहरों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे तो उनके घरों में बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। और दोस्तों ये बोलते बोलते वो समय भी आ गया जिसका जब फर्स्ट टाइम रीपर्चेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हमने और हमारे कुछ लीडर्स ने मिलकर के पहले दिन से उसको सपोर्ट करना शुरू किया। आपको याद होगा कि 7 लाख की कैपिंग भी लीडर्स ने अचीव की है और 4 लाख की कैपिंग भी अभी लगातार अचीव करते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो विजन था और उस विजन पे काम करके हमने काम करना शुरू कर दिया। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले केबल टीवी आया, फिर टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल सिस्टम आया, मोबाइल के टावर जगह जगह लगाए गए, कॉर्पोरेट कंपनी की जितनी कंपनियां थी कॉर्पोरेट में उन सारे लोगों ने कोशिश की कि जिसके जितने खंभे गड़ जाएंगे उसका बिजनेस उतना ज्यादा हो जाएगा। और हुआ भी यही, उस समय जिन कंपनियों ने इंटरेस्ट लेकर के अपने टावर्स लगा दिए वो कंपनियां आज बहुत बढ़िया एंजॉय कर रही है। ठीक इसी तरीके से जिस कंपनी ने अपने अपने सेट ऑफ बॉक्स जिन जिन घरों में पहुंचा दिए हैं आज वो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रही है। अभी आपको समझना पड़ेगा कि सारी चीजें तेजी से बदल रही है। आप देखिए किस तरीके से लोगों के पास में विजन होता है, जो दौड़ लगा देते हैं वो दुनिया उनकी हो जाती है। और मुझे भी कभी किसी ने समझाया था कि जितनी ज्यादा दौड़ लगा दोगे ये उतनी जमीन आपकी होने वाली है, और मैंने दौड़ लगा लगा करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज हमारे जो नेटवर्क में जो लीडर्स हैं वो भी इन्हीं सारी चीजों को यूज करके अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। और इस तरीके से सारी चीजें हमारे सामने है। पहले किराने की शॉप हुआ करती थी, सुपरमार्केट आए, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि हमारे सामने दुनिया बदल जाती है और कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हम कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं लेने की वजह से पीछे रह जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे बैठे हम फोन पे ऑर्डर करेंगे और प्रोडक्ट्स हमारे घर पर डिलीवर होंगे? 35 से ज्यादा फूड एप्स हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं। आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं और खाना आपके घर पर होता है। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा समय नहीं बीता हुआ है, कुछ दिन पहले हमारे सेमिनार्स होते थे जहां हमारे ऑडिटोरियम में लोग आते थे और हमें ऐसा लगता था
कि जब लॉकडाउन हुआ तो अब हमारा काम कैसे होगा, हमारी मीटिंग्स कैसे होगी, लेकिन अल्टरनेटिव निकला और आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हजार लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। इसी हजार लोगों की मीटिंग को अरेंज करने के लिए आपके सामने सारी चीजें किस तरीके से हुआ करते थे। अभी भी कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अभी हम जूम पर कैसे प्लान देंगे, जूम पर कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लीडर हैं जो जूम पर बैठे बैठे उन्होंने, आप ये समझो कि हमारे सेफ शॉप के इतिहास की सेकंड लार्जेस्ट सेल करके दिखाई हुई है जस्ट आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन। और हमें ऐसा लगता था कि जब तक तालियां नहीं बजेगी, हल्ला नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही है। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है। लगातार जब हम एक ही एनवायरमेंट में काम करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, तो हमारा माइंड उस तरीके से काम करना सीख लेता है। फिर उसमें थोड़ा सा भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हमारा माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और इस रिटेल के लॉन्च होने के बाद में, रीपर्चेस के लॉन्च होने के बाद में, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि अभी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा, हम सेल कैसे करेंगे, सेल्स लाइन में तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक फियर है जिसकी वजह से वो चाहते हुए दिख भी रहा है सब कुछ, लेकिन वो कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज नहीं कल आना तो सबको पड़ेगा, या तो आप अभी डिसीजन लेकर के तुरंत अभी काम करना शुरू कर दो, या फ्यूचर में जब लोग कामयाब होंगे तब आप उनको फॉलो करोगे। किस श्रेणी में लेना चाहोगे, पहले वाले में या सेकंड वाले में? निश्चित तौर पर आप पहले वाले में रहना चाहोगे जहां पर डिसीजन लेके आगे बढ़ जाना है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, यदि आप मान लीजिए कि जयपुर में रहते हैं, हम सारे लोग जयपुर में हैं और हमें दिल्ली की तरफ जाना है, पैदल दौड़ लगाना है, तो कौन व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा? सीधी सी बात है, जो सबसे पहले चल देगा। कुछ लोगों ने एक महीने पहले शुरू दौड़ लगा दी है, किसी ने 15 दिन पहले दौड़ लगाई है, किसी कोई आज दौड़ लगाने वाला है, तो मुझे बताओ किसके आगे रहने की संभावना है? जिसने आज से एक महीने पहले दौड़ लगा दी है वो पहले पहुंचने वाला है। और लगातार आप इस बात को समझ लें कि आज नहीं कल आपको करना पड़ेगा। और जब भी हम किसी काम को करेंगे निश्चित तौर पर चैलेंजेस आने वाले हैं, ये चैलेंज नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन जब हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे तो धीरे धीरे सिस्टम एस्टेब्लिश होंगे और धीरे धीरे हम उसमें परफेक्ट होंगे। यदि आप सोचते हो कि सारी चीजें पहले परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा उसके बाद में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको सारी चीजें देखनी है। कुछ चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंज हैं? नंबर फर्स्ट, लोग बोलते हैं कि आई विल स्टार्ट इन माई टीम वैन, जब मैं स्टार्ट करूंगा जब बहुत सारे रिटेल आउटलेट खुल जाएंगे। बहुत सही सोच रहे हैं आप, यदि आप सोच रहे हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरफ आपकी सोच है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को करके दिखाया हुआ है। और दोस्तों, चाहे कंपनी हो चाहे लीडर हो, लीडर अपने सिस्टम बनाएंगे, वो तभी बनेंगे जब वो काम करना शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलेंगे, सिस्टम्स एस्टेब्लिश होने वाले हैं। वो लीडर जिन्होंने डिसीजन लेके अपने नेटवर्क में बातचीत करना शुरू कर दी है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो लीडर जो सोच रहे हैं कि अभी मैं देखूंगा, सोचूंगा, करूंगा, तो फिर उनके साथ में वही स्थिति बनने वाली है। आपका माइंड दो तरीके से काम करता है। यदि माइंड सोच लेता है कि इस काम को करना है तो करने के रास्ते दिखाना शुरू कर देता है, और आपका माइंड यदि ये डिसाइड करता है कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा तो नहीं कैसे हो पाएगा, उसके वो सारे कारण आपको गिनाना शुरू कर देता है। तो ये एक छोटा सा कारण हो सकता है जो हमारे दिमाग में हो कि जब सारे आउटलेट खुल जाएंगे तभी करेंगे, लेकिन मुझे बताओ आउटलेट का मैं विरोधी नहीं है, आउटलेट आज नहीं कल खुलने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? जो आउटलेट शुरू होगा उसके बाद शुरू करेगा, या जिसने काम शुरू कर दिया, जिसने सेल निकालना शुरू कर दिया, जिसकी सेल बूम कर रही है और जब आउटलेट खुलेंगे तो कौन आगे रहने वाला है? थोड़ा सा विचार करके देखना मेरी बातों को। और कंपनी की प्लानिंग में आज नहीं कल ये सारी चीजें होगी, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप डिसीजन लेके आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो जाए, सारे महारत हासिल कर दें, हम पूरे एक्सपर्ट बन जाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद में काम शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एनर्जी बार आपको खोलना है, खाना है, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टूथपेस्ट को सेल करके या एनर्जी बार को सेल करके, जब सारे प्रोडक्ट नहीं आए थे, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे 2-4 आए थे और एनर्जी बार आई थी, तो सारे लीडर ने एनर्जी बार को सेल करके 7 लाख रुपए के चेक बनाए थे। सिर्फ एक टूथपेस्ट को सेल करके यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप पूरा का पूरा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास में इतनी बड़ी टीम है, कैसे होगा आपको विजय पाल जी बताएंगे, कैसे होगा माधव जी आपको बताने वाले, कैसे होगा ग्रेवाल साहब अगले सेशन में बताने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत है,
लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होगी, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत भी होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रोडक्ट को यूज करने से, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करके कस्टमर से आप बातचीत करोगे और उसकी तरफ से जब रिस्पांस मिलेगा तब ज्यादा सीखोगे, या आप सोचोगे कि नहीं पहले मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, सारी चीजें समझ लूं, उसके बाद में मार्केट में जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। सारे प्रोडक्ट धीरे 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 आप लर्न करोगे, समझोगे, सारे सिस्टम्स एस्टेब्लिश होंगे, कुछ आपके लीडर्स बताएंगे, कुछ कंपनी और कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन डिसीजन अभी हमको लेना है कि हम दौड़ लगाना शुरू कर दें या फिर इंतजार करते रहे कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी फिर हम दौड़ लगाना शुरू करेंगे। ये आपको सोचने की जरूरत है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, जब सस्ते प्रोडक्ट आएंगे तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप 2 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट लेकर के आओगे तो मार्केट में ये सवाल रहने ही वाला है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और इसको कैसे काउंटर करना है, मैं आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में आपके साथ में शेयर करूंगा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है, जो कस्टमर की साइकोलॉजी होती है उसको हमें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि डिलीवरी जब फास्ट हो जाएगी तब हम अपना बिजनेस करेंगे। डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताओ जब कंपनी को पता ही नहीं है कि हमें ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, किस आधार पर कितना बड़ा और कैसा सिस्टम वो एस्टैब्लिश करेगी, और हमारे यहाँ के जितने भी लीडर हैं वो तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ काम करते हैं, आज जो भी सिस्टम बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑर्डर ही इस तरीके से आते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद में मुझे पता है कि ऑर्डर बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन कंपनी आपको हिस्सेदारी दे रही है, कंपनी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि इस कंपनी को किस तरीके से, या तो आप कंप्लेन करो या फिर कंपनी को सहयोग करो, ये सिस्टम एस्टैब्लिश होंगे। आज से साल भर बाद, आज से 6 महीने बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी प्रॉब्लम कभी आई थी। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो एक टीथिंग प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो नेचुरल है कि जब आप काम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां काम ही नहीं है। तो अभी आप देखो, आप काम करना चाहते हो तो प्रॉब्लम रहेगी और हमेशा रहने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम कम जाता और उस पर कैसे हम ठीक करेंगे, इस पर कंपनी लगातार काम कर रही है। हमारे स्टाफ के सारे लोग बहुत सीरियस है और बहुत सिंसियर है, जो आपको एक से एक लाजवाब सिस्टम बना के देने वाले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, बड़ी हंसी आती है मुझे, कि जब मैं फर्स्ट परचेज से कैपिंग हासिल ले लूंगा उसके बाद में मैं अपनी ये रीपर्चेज का काम शुरू करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब अच्छी सोच नहीं है। आफ्टर अचीविंग कैपिंग फ्रॉम प्रमोटिंग फर्स्ट परचेज, उसके बाद में हम रीपर्चेज की कैपिंग के लिए अपना काम शुरू करेंगे, ऐसा कुछ लीडर सोचते हैं, और जो सोचना गलत है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी फर्स्ट परचेज पर कोई कैपिंग नहीं भी आ रही है, तो यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में डायमंड लेवल पर, रूपी लेवल पर, आप सिर्फ रीपर्चेज से 2 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हो। आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें काम कैसे करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, वो करके आप इवन एमरल्ड लेवल पर, रूबी लेवल पर आप 2 लाख की कैपिंग को हासिल कर सकते हो। इसके बारे में आपको विजयपाल जी बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। एक थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, अड़चनों का सिद्धांत। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब हम कोई काम करना, मतलब जब हम घर से निकलते हैं और घर से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जो पहली बार गाड़ी चलाता है, पहली बार ड्राइव करना शुरू करता है, उसको ऐसा लगता है कि यार इतनी भीड़ में मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। लेकिन आप देखो कि जब हम गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो अपने आप जगह बनती जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कितनी भी भीड़ होगी, कितना भी ट्रैफिक होगा, लेकिन यदि आप तय कर लेते हैं कि मुझे निकलना है घर से, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें, रास्ते मिलते जाते हैं, आपको स्पेस मिलता जाता है, और आप जब आगे बढ़ते जाते हैं तो यदि आपने चलने का डिसीजन ले लिया है तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। और आप सोचोगे कि नहीं, घर में बैठ करके मैं तब निकलने वाला हूँ जब सारी की सारी लाइट जो है ग्रीन सिग्नल हो जाएंगे, हर तरीके से रोड खाली हो जाएगा, सारी आपको बिल्कुल आपके हिसाब से सारी चीजें हो जाएगी, तभी हम घर से निकलेंगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप तो बस चलना शुरू कर दो, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हमने भी रीपर्चेस के लिए प्लानिंग की थी तो इतना आसान नहीं था, लेकिन जब हमने पहली बार रीपर्चेस के बारे में मीटिंग ली, दूसरी बार मीटिंग ली, तीसरी बार मीटिंग ली, तो हर बार हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया, हर बार नए नए सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस किए, हर बार नई नई चीजों को हमने अपने सिस्टम में डेवलप करके, उसको इनकॉर्पोरेट करके, नए नए सिस्टम बना करके उसको आगे बढ़ाया। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप डायमंड लेवल के लीडर्स हैं। आज आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को ओपन करने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊंगा कि यदि आपको तैरना सीखना है,
यदि आपको स्विमिंग करना सीखना है तो क्या ठीक रहेगा, हम किताब पढ़ के स्विमिंग करना सीखेंगे या स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर के हम इंतजार करते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे कि मैं बस अंदर ना उतरूं, स्विमिंग पूल में ना जाऊं और तैरना सीख जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यदि आपको स्विमिंग करना सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप तैयार हैं तो धीरे 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 करके आप तैरना जरूर सीख जाएंगे। ठीक इसी तरीके से रीपर्चेस हमारे लिए एकदम बिल्कुल नई है, अभी अभी हमने शुरू किया है, लोग के सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब, प्रॉब्लम, सारी चीजें ठीक होने वाली है, तो अभी हमको डिसीजन लेना है कि हम सारी चीजें ठीक हो जाएगी तब शुरू करेंगे या शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे हम ठीक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इसको आपने डिसाइड करना है। यदि आपका माइंडसेट न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट, आप नए तरीके से सोचोगे, नई उम्मीदों करोगे, नए तरीके से अपना बिहेवियर बनाओगे और नई सोच के साथ में आगे बढ़ोगे तो आपके रिजल्ट्स भी कुछ नए तरीके से आपको मिलने वाले हैं। ये रिपर्चेस के बाद में आपकी जो रिकॉग्निशन है बहुत फास्ट होने वाली है, इसके बाद में मिस्टर माधव सिंह जी आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत शानदार स्लाइड जो हमेशा लोगों के साथ में मैं सिस्टम में शेयर करता हूं, अगर चाहिए मो तो बन जाइए गोल, और ये सिर्फ एक स्लोगन है जिसको बोल बोल के, बता बता करके, जिसको प्रमोट कर करके आज हमने इस लेवल को अचीव किया है, और ये कोर का जो सिस्टम है हमारे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो कोर होता है, कोर का मतलब ये हो गया कि 10 ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने सिस्टम में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इन 10 स्टेप को जो आदमी करता है उसको हम कोर बोलते हैं, और यदि कोई आदमी कोर है तो उसको 10 स्टेप को फॉलो करना है, और 10 स्टेप को जो फॉलो करेगा वो कोर होता है, और इस तरीके से जो आदमी कोर होता है वो डायमंड 200% बनता ही बनता है, ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने पाया है, और यही एक सिस्टम है जो 10 अभी तक हम लोग 10 पॉइंट थे, लेकिन अभी 11वां पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और 11वां पॉइंट उस कोर स्टेप में वो 10 पॉइंट तो करने ही करने हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो कोर बनना चाहता है, कोर है वो 11th कोर स्टेप, उसको एक और फॉलो करने की जरूरत है कि उसको 100 PV मंथली या तो प्रोडक्ट को यूज करना है या सेल करना है, वास्तव में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट करना पड़ता है, और हमारे जितने भी इस बिजनेस में कोर हैं वो उस कोर से कोर में जितने भी स्टेप्स हैं वो उनको दमदारी के साथ में फॉलो करते हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी टीम में मैक्सिमम मतलब काफी सारे कोर हैं जो एज ए कोर उन सारी स्टेप्स को 11 स्टेप को फॉलो करते हैं जो जरूरी है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। तो 11वां स्टेप हमने आज से इंट्रोड्यूस किया, पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आज आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। यदि कोई आदमी कोर है उसको 100 PV का यूज करना है, और 100 PV यदि हमने अपने नेटवर्क में प्रमोट किया तो क्या होने वाला, सिल्वर लेवल पर मैं आपको बताता हूँ कि आप समझ लीजिए कि 25 एक लेग में, 25 दूसरी लेग में, यदि 100 BV 100 BV दोनों लेग में होते हैं तो इस तरीके से 2500 BV एक साइड होंगे, 2500 BV एक साइड होंगे, और इस तरीके से 2500 बिजनेस वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब जोड़ देते हैं तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और इस तरीके से यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 12500 रुपए की अर्निंग ये एक कोई भी आदमी सिल्वर लेवल पर कर सकता है। ये फिगर थोड़े से हाइपोथिकल आपको जरूर लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो कहने के लिए हम कैलकुलेशन कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट स्लाइड में आपके साथ में बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। हम मान लेते हैं कि 100 BV हर आदमी नहीं करेगा, कुछ 50 भी करेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 500 BV करने वाले हैं, और मैंने ये बहुत करीब से महसूस किया है जब हमारे हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी में जब लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स थे, आपने देखा होगा कोटक के साथ में हमारा टाई अप था, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारी ही टीम में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट किया करते थे। मैंने तो बहुत गिनी चुनी पॉलिसी प्रमोट की होगी क्योंकि इंश्योरेंस में कभी इंटरेस्ट ही नहीं बना मेरा, लेकिन हमारे ग्रुप में ही हमारे नीचे ऐसे ऐसे लोग आते थे जो 100 100 50 50 100 100 पॉलिसी महीने में ऐसे ही बेच दिया करते थे, वो मास्टर थे। ठीक इसी तरीके से हमारे इसी ग्रुप में, हमारे इसी नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल सेल बहुत अच्छी कर सकते हैं, जाकर के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, और उनको यदि हम ट्रेन करें, आज हम और आप भी यदि ट्रेनिंग ले लेते हैं तो प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम रीपर्चेज और रीसेल करके बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो गोल्ड पर करीब करीब 62500 की अर्निंग होती है, वो स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करेंगे। फिर यदि पर्ल पर देखोगे तो 1,25,000 की आपकी मंथली अर्निंग हो सकती है। फिर टोपाज में यदि देखोगे 3,12,500 की आपकी अर्निंग हो सकती है। एमरल्ड पर देखोगे तो करीब करीब आगे समझो
कि 6,25,000 की पर मंथ की आपकी अर्निंग हो सकती है। रूबी लेवल पर यदि आप देखोगे तो 12,50,000 रुपए की अर्निंग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कैपिंग हमारी जो है 8 लाख की है। और यदि आप कैलकुलेशन डायमंड का करते हैं तो वो तो अभी बहुत बाहर की बात हो जाती है, वो कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। ये हमने तब कैलकुलेट किया है जब 100 बीवी का हम कमिटमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक स्लाइड है, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा भी करेंगे। तो एक स्लाइड है, लास्ट में मैं इसको समअप करता हूं कि यदि रूबी लेवल पर कोई आदमी 12 लाख रुपए का जो हमने बताया है उस तरीके से यदि वो लेता है, उसका सिर्फ 20% भी काम होता है जो मैंने आपको बताया है, तो 2,50,000 रुपए पर मंथ कमा सकता है सिर्फ रिटेल रिटेल के प्रमोशन से। और यदि 10% भी काम होता है तो रूबी लेवल पर 1,25,000 की बढ़िया सी अर्निंग वो कर सकता है। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को लोगों ने करके दिखाया है, ये सारी चीजों को हासिल करके दिखाया है। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, या लोग ये बताते हैं कि सर लोगों को जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं ना तो किसी भी प्रोडक्ट को बताते हैं तो पीछे से एक रेजिस्टेंस आता है कि सब प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है या एक ऐसी बात है जो आपके साथ में, जब तक आप सेल्स स्टाइल में रहने वाले हो, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहने वाले हो, ये सवाल कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे काउंटर करना है। सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि एक कस्टमर को जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी को ऑफर करते हैं तो वास्तव में उसके दिमाग में क्या चला करता है, और हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसका प्रभाव उसके दिमाग में क्या पड़ता है, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हमने पूरा प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद में सारी बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये आगे पीछे करने लगता है। प्लान देखने के बाद में सबसे ज्यादा यदि प्रॉब्लम आती है तो बोले प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो ऐसा बोलता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लान दिखाने के बाद में हम उसको बोलते हैं, अपना पूरा एक कैटलॉग दिखाते हैं, कैटलॉग दिखाने के बाद में उसको बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के इसमें आ सकते हैं। और जनरली ये होता है कि वो जो जो जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसका लोअर वैल्यू की तरफ सारा का सारा ध्यान रहता है और हम उसको खींच करके आगे की तरफ ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट से ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ज्यादा कमीशन बन पाए। और कई बार तो ये होता है कि हम उसको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट लेना है और 1,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो हम 1,000 से बढ़ा करके उसको 5,000 कर देते हैं, और कई बार तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम फायदे गिनाना शुरू करते हैं कि 1,000 आप लोगे तो क्या होने वाला है, 5,000 लोगे तो क्या होगा, 10,000 का प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, 15,000 का लोगे तो क्या होगा। हमने शुरुआत करी थी 1,000 रुपए के प्रोडक्ट से, बढ़ता बढ़ता वो 15,000 पे पहुंच जाता है तो वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको शंका करने लगता है, उसके मन में डाउट होना शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है कि अभी तो हमने 1,000 की बात की थी, कभी ये 2,500 की बात करते हैं और फायदा दिखाते हैं 10,000 की, पता नहीं कल और कुछ बात ना करने लगे, तो उनके मन में डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है। एक थंब रूल आप ध्यान से रखिए कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, कोई वैल्यू आपने छोटी बताई है, छोटे से ऊपर की तरफ जाओगे तो हमेशा रेजिस्टेंस रहने वाला है, हमेशा कहीं ना कहीं वो आपको रेजिस्ट करेगा आपका जो प्रॉस्पेक्ट है। तो करना क्या है, करना बिल्कुल आसान है, इसी चीज को थोड़ा सा बताने का तरीका आपको चेंज करना है। तो करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले डिक्लेयर कर देना है, सबसे पहले बता देना है कि भाई साहब आपने ये सारी चीजों को देखा हुआ है, आपको इसमें आने के लिए कम से कम 15,000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 15,000 से 20,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और उसको ये बताना है कि आप घबराइए मत, ये 15,000 भी आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ये अगले 6 महीने में 2,500-2,500 रुपए देकर के आपने करना है। तो आपने बताया था 15,000 से 20,000 रुपए, उसको फिर आपने बोल दिया कि एक साथ नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और उसको बता दिया कि अगले 6 महीने में आपको ये सारी चीजों को देना है। आप मुझे बताइए, शुरुआत हुई थी हमने ज्यादा से की, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, उसके बाद में और हमने नीचे कर दिया कि आपको ये एक ही बार में नहीं देना है, आपको 6 महीने में देना है ये। आप मुझे बताइए साइकोलॉजी चेंज होगी कि नहीं होगी। अब आगे जाकर के आपको ये करना है कि ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा 15,000 का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन 2,500 रुपए के आपको डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, तो बताइए कोई इन्वेस्टमेंट है। और प्रोडक्ट भी कौन से हैं, चाय पत्ती जो आपको घर में लगती है, टूथपेस्ट जो आपको घर में लगता है, और भी जितने आइटम्स हैं जो किराने के सामान है, यदि वो आप ले लेते हैं तो आप मुझे बताइए आपका कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, आपको कोई खर्चा हुआ, जितना भी आपने दिया था उतने वैल्यू के प्रोडक्ट तो आपको वैसे भी लेकर के आने थे,
मतलब आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो समझ लेना डील आपकी क्लोज हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और दुनिया के जितने भी सेल्स इंडस्ट्री में कामयाब लोग हैं वो इसी टेक्निक को यूज करते हैं। कॉर्पोरेट में जितनी भी सेल्स इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं इसी टेक्निक को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप अमेजॉन पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप कभी किसी मॉल में जाइए तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे 80% 75% ऑफ आपको दिया जाता है। आप मुझे बताइए कोई आदमी अपने जेब से देने वाला है क्या? वो सिर्फ प्ले कर रहे हैं किसी ह्यूमन माइंड के साथ में, उसके माइंड के साथ में प्ले करते हैं। और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको इंटेंशन हमेशा अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट की आपको अच्छी जानकारी देनी है, लेकिन आपने सिर्फ ऐसा ना करके ऐसा कर लिया, थोड़ा सा आपने चेंज किया, आपका ये जो रिजेक्शन है, आपका ये जो ऑब्जेक्शन है प्रोडक्ट को लेकर के बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको एक काम और कर सकते हैं, यदि आप 6 महीने का ये हमने धीरे धीरे रिलैक्स किया है, लास्ट में जाकर के आप एक चीज और उसके साथ में शेयर कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपको हम एक ऑफर और दे सकते हैं जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। आप 6 महीने करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में 15,000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप डिसीजन लेते हैं आज पूरा पेमेंट करते हैं तो 15,000 की वैल्यू का प्रोडक्ट आपको 9,995 रुपए में मिल सकता है। बताइए आप मुझे, इतना बढ़िया फायदा मिल रहा है, इसमें कोरियन इंक्लूड है, सारी चीजें इंक्लूड है, सारे डिस्काउंट्स आ गए। अभी आप बताइए कि ये प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं इतना सारा फायदा है तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद तो सारी बातें खत्म हो जाती है। इसके बाद में भी कुछ रह जाएगा तो जितना ज्यादा आप आर्गुमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट के महंगे और सस्ते के चक्कर में आप पड़ते रहने वाले हैं। बस यही है कि जो 1,000 रुपए की आप बात करें, थोड़ा सा कलेजा बड़ा करो और अपना बढ़िया पोस्चर बना करके आप पहले ही डिक्लेयर कर दो कि 15,000 का तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। और यही हम कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं, उतनी हिम्मत हम कर नहीं पाते हैं, या हम तो कर लेते हैं लेकिन नीचे जो लोग हैं उस पोस्चर में बात नहीं कर पाते हैं और वो कम ज्यादा महंगा और क्वालिटी और क्वांटिटी इनके चक्कर में उलझ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी भी डील फाइनल हो नहीं पाती है। और जब भी हम प्राइस की कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन जो होगा वो कहीं ना कहीं एप्पल टू एप्पल होगा। एक तरफ नोकिया है, एक तरफ बाकी के चीप ब्रांड है और दूसरी तरफ जो है एक बहुत ही ब्रांड है जिसको हम बोल सकते हैं आईफोन है। दोनों का भी कंपैरिजन हो सकता है क्या? आईफोन जो है करीब करीब 1,00,000 रुपए का आता है, 20,000 के भी मोबाइल आते हैं, लेकिन कहाँ आईफोन और कहाँ दूसरे मोबाइल, हम कोई कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्राहक की एक मेंटेलिटी आपको देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बल्कि दुनिया के हर हिस्से में ये एक मेंटेलिटी है कि एक कस्टमर जब किसी चीज को खरीदने जाता है तो खरीदते खरीदते वो जरूर बोलता है, खास करके इंडियन मेंटेलिटी होती है। यदि किसी सब्जी वाले के पास जाएगा या किसी फ्रूट्स वाले के पास जाएगा तो कोई महिला क्या बोलती है कि साहब कितने के ये आम है, तो सामने जवाब मिलता है 100 रुपए किलो के आम है। अरे भैया इतने महंगे आम दे रहे हो आप, आपने तो लूट मचा करके रखी हुई है, इतने महंगे तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे बचपन से घुसा हुआ है और ये कोई कितना भी मतलब वो 50 रुपए भी बोलता तब भी उसको यही बोलना था और 25 रुपए किलो बोलता तब भी उसको यही बोलना था। बात यहीं से शुरू होती है। और एक और आपने देखा होगा कि आपको कहीं जाना है, आप किसी व्हीकल को लेते हैं तो आजकल तो ओला उबेर आ गया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उतना देते हैं निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग जब भी कहीं जाना होता है, मान लीजिए स्टेशन जाना है, जब उससे मूल भाव करते हैं तो क्या करते हैं, वो बताया उसने कि 100 रुपए लगेंगे स्टेशन के। अरे भैया लूट मचा लगी है, इतने पैसे लगते हैं क्या? ऐसा करके कहीं ना कहीं हम डाउट करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो ये लोगों को मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं और ये इसी तरह के प्रोस्पेक्ट आपको मिलने वाले हैं। और इनको डील करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, थंब रूल, आपको ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करनी है। जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी कोरियर चार्जेस हैं, जो भी आपके डिस्काउंट्स हैं, जो भी 15% का कंपनी आपको अभी जो ऑफर चल रहा है, इन सारे के कैलकुलेशन करने के बाद में यदि प्राइस को धीरे धीरे करके नीचे लेके आते हो और उनको बेनिफिट गिना देते हो तो आपकी बात खत्म हो जाती है, डील हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो प्राइस में 3 बातें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मतलब मार्केट में जब भी आप बातचीत करोगे तो आपको 3 चीजों को जरूर हाईलाइट करना है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो आम आदमी के लिए है और हो सकता है कि उसके रिजल्ट ना आए। एक तरफ 200 रुपए का प्रोडक्ट है और हमारा प्रोडक्ट 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन 200 रुपए का प्रोडक्ट यदि रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो जिंदगी भर खाते जाओ पीते जाओ उसका रिजल्ट ही नहीं आना है। और हमारा ये प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और इससे आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। जब हम इस तरीके से चीजों को एस्टैब्लिश करते हैं तो चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अभी जैसे मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे भूषण जी से, भुवन जी से,
कि हम अपने प्रोटीन पाउडर को कैसे वेट मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज नहीं कल वो फार्मूला आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। लेकिन जब जब भी आप किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है कि सस्ते प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलते हैं और ये जो प्रोडक्ट है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में आपको जरूर 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 बात करनी है और ये रिजल्ट ओरिएंटेशन तभी आप कर पाओगे जब इन प्रोडक्ट को आपने यूज करना शुरू कर दिया होगा, इनको आपने टेस्ट किया होगा, तभी वो दिल से आपकी आवाज आने वाली है। फिर दूसरा, आपको जो बातचीत करनी है आपको फीलिंग बेस्ड अप्रोच रखनी है कि आप कैसा फील करोगे सामने वाले को। आपको फीलिंग के बारे में बातचीत करनी है कि इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में जब आपका वेट लॉस होगा तो क्या फीलिंग आपके साथ में होने वाली है। जब आप एनर्जी का रीलोड यूज करोगे तो आपको कैसी फीलिंग होगी, आप कैसा फील कर सकते हो, ये जब आप शेयर करते हो और फीलिंग बेस्ड अप्रोच बताते हो तो आपके प्रोडक्ट के बिकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से नंबर थर्ड है जो आपको जरूर बताना है कि आप पहले कस्टमर नहीं हो। हेलो, ठीक है, तो हमें ये अप्रोच लगानी है। सो मेनी सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑलरेडी आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, ऐसा करके जरूर बताना है। और यदि हमारे पास में कोई टेस्टिमोनी इन प्रोडक्ट के साथ में, अभी टेस्टिमोनी तो जब यूजर्स बढ़ेंगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनी बढ़ते चली जाएगी जिसका हमने इस्तेमाल करना है। इसको इस तरीके से समझ लो कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ओरिएंटेशन आप फिक्स करो कि कैसे ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। और कितना भी महंगा प्रोडक्ट होगा फिर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फीलिंग जरूर बताओ, कार दो होती है, एक मर्सिडीज बेंज है और दूसरी अल्टो कार है, कार दोनों है, दोनों में पहिए लगे हुए हैं, दोनों में चार पहिए लगे हुए हैं, लेकिन जब आदमी मर्सिडीज बैंड में बैठता है तो वो क्या फील करता है उसकी वजह से वो मर्सिडीज बैंड को लेता है, ना कि प्राइस की वजह से लेता है। तो आपके पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप शैम्पू की बात करो, चाहे सोप की बात करो, चाहे एनर्जी बार की बात करो, चाहे रीलोड की बात करो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत बढ़िया अफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में जरूर बात करो। और लोगों को ये बताओ कि आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर, लाखों लोगों ने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। जब ये सारी चीजें बताई जाती है तो आपका प्रोडक्ट के बारे में जो रेजिस्टेंस होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से आपका ये जो ऑब्जेक्शन है तो आप दूर कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक चीज और है कि हमने 100% कमिटमेंट के साथ में कमिटमेंट देना है टू बिकम 100% यूजर। जब तक हम खुद ही यूज नहीं करेंगे हम कैसे लोगों को बता पाएंगे। और मैंने ये देखा है कि हमारा पूरा ध्यान ये रहता है कि कैसे हमारा कमीशन बने, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम प्रोडक्ट को आगे शिफ्ट कर दें। लेकिन दोस्तों आपसे एक ही मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, इन सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करो, इनको यूज करो, अपने परिवार में देखो और इनके अफेक्ट जब आप देखोगे, इनका जब फायदा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं जिनको हम कहीं ना कहीं प्रमोट करने से बच रहे हैं। और ये काम शुरू से ऊपर से ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला है। अभी बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन हम और आप एक तरीके से इन प्रोडक्ट के एम्बेसडर्स हैं जो यूज करेंगे और यूज करने के बाद में सेटिस्फेक्शन जो हमको मिलेगा वो हम आगे लोगों को बताएंगे, तभी ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आगे मूव होने वाले हैं। कभी भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आती है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और हमने कुछ नया काम नहीं करना है, मैंने जैसा आपको बताया कि रीपर्चेस में तो हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी वर्कशॉप्स होती है, हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स होती है, हमारे ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स में कैसे हम रीपर्चेस के बारे में अपनी अपनी बातें कहना शुरू करें, सिर्फ उतना ही करने से आपका बिजनेस रीपर्चेस का बढ़ते जाना है। सिर्फ बातचीत करना शुरू करना है, जो भी सिस्टम आपने बनाए हुए हैं उसमें रीपर्चेस को डालने की जरूरत है, पॉइंट्स में, हर पॉइंट्स में। फ्री सैंपल्स बहुत अच्छी चीज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को बांटना है और इसको अदरवाइज मत लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब 100 बीवी की बात आ रही है, 100 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने की बात आ रही है तो उसमें मैं भी एज ए कोच उसको कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, हमारे सारे लीडर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जिम में इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, आप मेडिसिन दुकान में, मेडिकल दुकान में इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, आप किराने की दुकान में दे सकते हो, प्रोविजन स्टोर में दे सकते हो, आप अपने पड़ोसियों को, अपने और लोगों को इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आप प्रमोट कर सकते हो। तो मैंने कैसे किया है, मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, करीब करीब 100 लोग हैं और 100 लोगों के परिवार में यदि देखेंगे एक एक घर में 4 लोग हैं तो इस तरीके से समझो कि 400 लोगों का परिवार है।
मैंने कुछ नहीं किया, जैसी टूथपेस्ट ये लॉन्च हुआ तो मैंने काफी सारे ऑर्डर करके लोगों को फ्री सैंपल बांट दिए, और सारे लोग जो परिचित थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है, आपको ये मैं सैंपल दे रहा हूँ फ्री में, इसके बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो दुनिया की सारी चीजें मार्केट से लेकर के आना, लेकिन यदि आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ मुझे याद करना है। और दोस्तों इसका फायदा हुआ और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। इसी तरीके से आप एनर्जी बार को भी यूज कर सकते हो सैंपल के लिए, आप अपने जेब में रख सकते हो, जब जहां जरूरत पड़ती है आप बता सकते हो कि कैसे ये आपको कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। मिस सेलिंग कभी भी नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में है प्रोडक्ट के बारे में वही देनी है, वही बताना है। कई बार हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद में हमारे प्रोस्पेक्ट को जरूरत नहीं है, तब भी हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखें। यदि आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चाहते हैं तो आपको हमेशा कभी भी मिस सेलिंग नहीं करनी है, यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोस्तों ये एक सेशन था, ये एक बातचीत थी जो मैं आपके माध्यम से करना चाहता था, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में जो कुछ भी बताया गया है उसका मोटिव सिर्फ एक ही है कि समय बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है, और आप भी यदि अपने आप को बदल लेते हैं और एक डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं बस अभी हमको शुरू कर देना, बस एक बार हमारा जो ग्रुप बना हुआ है डायमंड का ग्रुप बना हुआ है, दो ग्रुप बने, लीडर वन और लीडर टू, आपको बस आज डाल करके बता देना है। मैंने तो दौड़ लगानी काफी पहले शुरू कर दी थी, यदि आपने दौड़ना शुरू नहीं किया है तो आप डिसीजन ले सकते हो और उसमें कमिटमेंट जरूर डालना कि हाँ मैं प्रोडक्ट को 100 PV का डैम श्योर करने वाला हूँ, ये एक मैसेज डालना, और दूसरा ये भी एक कमिटमेंट डालना कि मैंने आज से दौड़ लगानी शुरू कर दी है, ताकि हम चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि आप लोगों के साथ में हम लेकर के दौड़ लगाएं और सारे लोग जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, हम सारे डायमंड मिल करके उस मुकाम पर जरूर पहुंचे। मैं अपनी बातों को यही भी